गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ये हमारा सेकेंड क्लास है फर्स्ट क्लास में हमने आपको ऑडिट का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था ऑडिट uh, का मीनिंग क्या होता है कौन करता है ऑडिट किस लिए करवाते हैं इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑडिटिंग एंड ऑल अभी हम लोग बात करेंगे आज कंपनी ऑडिट का बेसिकली वील बी टॉकिंग अबाउट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट क्वालिफिकेशन एंडिफिकेशन द ड्यूटीज एंड द राइट्स हम लोग थोड़ा और उसको डिटेल में देख लेते हैं राइट सो गिव दिन ऑडिटली बेसिकली इट विल बी शॉर्ट ऑफ मैं जो लिखा दूंगा मतलब फिर आपको ये चैप्टर अलग से पढ़ने का दरकार नहीं है अब यही नोट्स वगैरह इसको आप एग्जाम में यू कैन कैरी इट एज ए चिट नोट फॉर्मेट में आप लेके जा सकते हैं इसका आप छोटा छोटा uh, वो बना लीजिए राइट एंड यू कैन टेक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितनी भी कंपनीज होती है उनको अपना कंपल्सरीली ऑडिट करवाना पड़ता है ना हमारे कंट्री में मैंने आपको कल भी बताया था आप जिस कंप आप कोई भी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो चाहे ऑडिट कर रहे हो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा हूं चाहे ऑडिट कर रहा हूं तो उसमें कंपनी लॉ 2013 विल बी एप्लीकेबल तो सेक्शन वन वन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये जो सेक्शन है ना सेक्शन 141 फोर्टी वन ऑफ कंपनी दो हजार तेरह बेसिकली ये हमारा इसके बारे में बात करती है कंपनी ऑडिट के बारे में बात करती है राइट सो द क्वालिफिकेशन एंडक्वालिफिकेशन आर कंप्लीटली गवर्न बाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है If I talk about qualifications, that who can be the auditor? Uh, we know a chartered accountant in practice. Right? Basically, a CA firm. CA firm, a partnership firm. Ho gaya. And LLP. Limited Liability Partnership. इसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स हैज टू बी सी ए सी ए फर्म में आपको सब सीए ही लेना पड़ेगा बट एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है रिस्क एडवाइजरी सर्विस भी देता है और भी कई मैटर्स में दे कंसल्टेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव मैं आपका ऑडिट कर रहा हूं आई एम इंक्रीजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज फाइन बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए अगर आपको कोई टैक्स का प्लानिंग करके देना क्योंकि मेरे पास नॉलेज है ऑडिट करना तो चलो समझ में आता है लेकिन वाई काट इन टू अदर सर्विसेस राइट तो एल एल पी में क्या होता है मैं किसी एम बी ए को भी एक पार्टनर बना सकता हूं किसी इंजीनियर को भी पार्टनर बना सकता हूं तो मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस रेंडर कर सकता हूं आई कैन प्रोवाइड अ बिजनेस तो इन दैट केज आई हैव टू फॉर्म एन एल एल पी जिसमें मैं अदर अदर कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स को भी आई कैन एड तो एल एल पी कैन ऑल्सो बिकम यूर ऑडिटर प्रोवाइडेड उ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी चार्टेड अकाउंटेंट राइट तो बेसिकली ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट uh, हम लोग जो बात किया अभी क्वालिफिकेशन का एग्जाम में अगर आएगा तो दो मार्क्स का आएगा उससे ज्यादा ये या आ ही नहीं सकता इतना तो पॉइंट है इसमें राइट right? अभी एक आदमी है जो दुबई में प्रैक्टिस करता है क्या वो हमारा ऑडिटर बन सकता है बेसिकली प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट अ मेंबर ऑफ इंडिया गॉट माई पॉइंट तो उसके बाद यहां वाला मेंबरशिप होना चाहिए तो इन इंडिया वाला पॉइंट आप लोग को याद रखना मतलब प्रैक्टिसिंग इन इंडिया राइट तो ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है आपको टर्न एंड ट्विस्ट कर सकता है एग्जाम में अभी मैं बात करूंगा डिसक्वालिफिकेशन का क्लियर क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा और इसके पॉइंट्स में नीचे लिख रहा हूं डिसक्वालिफिकेशन के पहले ये लोग ऑडिटर नहीं बन सकता सबसे पहला एक बॉडी कॉर्पोरेट, अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी एन ऑडिटर एक्सेप्ट एलएलपी मैंने ऊपर पहले ही बता दिया एलएलपी भी एक टाइप का बॉडी कॉर्पोरेटीडेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं उसको तो body corporate, auditor नहीं बन सकता right? एक company है जिसमें मैक्सिमम चार्टेड अकाउंटेंट्स है सारे के सारे शेयर होल्डर उसके चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं पहला बात कंपनी मतलब मेंबर्स लोग देखता नहीं है कॉमन सेंस लगाओ कंपनी का सारा ऑपरेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है तो अगर एक कंपनी है उसके शेयर होल्डर सारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं दैट डजंट मीन कि वो कंपनी किसी और कंपनी का ऑडिट कर सकता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट फर्म नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल किसी कंपनी का ऑडिट कर सकता है एक सीए फर्म कर सकता है एक एलएलपी कर सकता है लेकिन एक कंपनी जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब चार्टेड अकाउंटेंट है उसके सारे शेयर होल्डर्स चार्टेड अकाउंट उससे कोई लेन देन ही नहीं है तो बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ ऑडिटर राइट एक कंपनी दूसरे कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता इंडिविजुअल कर सकता है प्रोवाइडेड ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है जिसमें सारे पार्टनर्स चार्टेड अकाउंटेंट है एक एल कर सकता है जिसमें मेजोरिटी पार्टनर्स चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते राइट right? तो ये सारा डिस्क्वालीफिक्केशंस मैं आपको एक के बाद एक बोलूंगा आपके एग्जाम में आएगा आपको खाली लिख कर देने का है इसलिए मैंने कल बताया था मेरे को जो पढ़ाना था पढ़ा दिया है मैंने अभी आपको खाली रीड करने का है खाली पॉइंट्स लिखना है और कुछ नहीं करना है राइट right? उसके बाद मेरे कंपनी का एम्प्लॉय भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एम्प्लॉयर ऑफिसर ऑफ द कंपनी आल्सो कैन नॉट बिकम अ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ये लोग भी ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का राइट पार्टनर ऑफ टू अगर एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है एम्प्लॉय मेरे यहां काम तो कर ही रहा है प्लस वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा भी है तो उसका पार्टनर भी मेरे कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता मेरे इन शॉर्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उसका रिश्तेदार या उसका पार्टनर ऑडिटर नहीं बन सकता नहीं तो वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे ही नहीं पाएगा आज अगर मेरे को एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर ऑडिट करवाना है और मैं मेरे फ्रेंड को ही बोलूं कि भैया तुम इसका ऑडिट कर दो तो यहां पे बायसनेस आएगा ही वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे नहीं पाएगा वो वही ओपिनियन देगा जो मैं उसको बोलूंगा तो मेरे शेयर होल्डर को यह चीज कभी भी मंजूर नहीं होगा तो ये डिसक्फिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करिकुलम। हा? तो एक पार्टनर ऑफ टू पार्टनर ऑफ टू मतलब ऑफिसर और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो लोग नहीं बन सकता राइट रिलेटिव राइट ये याद रखेगा और पार्टनर राइट right, जो हमारी कंपनी का शेयर होल्ड करता है अप टू द वैल्यू ऑफ वन लैख तो वो मेरा बन सकता है ऑडिटर लेकिन अगर किसी का एक लाख से ज्यादा रुपया का शेयर होल्ड किया हुआ तो वो आदमी मेरे यहां पे ऑडिटर नहीं बन सकता सपोज करो आज मेरे पास रिलायंस का शेयर है सडनली अंबानी जी मेरे को कॉल करते हैं बोलते हैं कि आप मेरा कंपनी का ऑडिट कर दीजिए राइट right? तो मेरे पास ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास शेयर कितने का है मेरा जो होल्डिंग है सिक्योरिटीज ऑफ रिलायंस का वो एक लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अगर एक लाख से ज्यादा का मेरा होल्डिंग है तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता तो यहां लिखेंगे पर्सन और इज रिलेटिव और पार्टनर मतलब मैं अगर किसी कंपनी का शेयर होल्ड करता हूं तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता मेरा रिलेटिव भी अगर किसी कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता मेरा पार्टनर भी अगर उस कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता राइट पर्सन और हीज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग राइट एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी क्या हो रहा है बार बार इधर क्यों हो जा रहा है ये right. राइट ऑफ कंपनी राइट या उसके सब्सिडरी का या उसके होल्डिंग का मैं आपको एक डायग्राम बनाकर अभी दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा अ पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर राइट इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी और इट्स Subsidiary or its holding, right? Or its associate, right? Or सब्सिडरी ऑफ दच होल्डिंग कंपनी ये मैं हूं अंकित ठीक है मैं एक सीए इन प्रैक्टिस हूं और ये है एक्स लिमिटेड क्लियर तो मेरे पास आई एम देयर होल्डर ऑफ एक्स मैं इसका कैन नॉट बी ऑडिटर ठीक है क्लियर मेरा एक पार्टनर है मैं नहीं होल्ड कर रहा ये पहला केस क्लियर हो गया अगर मेरे पास इस कंपनी का शेयर है तो मैं इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता मेरा पार्टनर के पास अगर इस कंपनी का शेयर है तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता मेरे रिलेटिव के पास अगर इस कंपनी का शेयर है तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता लेकिन रिलेटिव के केस में एक लाख का लिमिट है That 1 lakh limit is only applicable for relative, right? Clear? नहीं, मेरे मैं अगर 10 भी sharehold करता हूँ तो I cannot be the auditor. क्लियर? अगर मेरे पास या मेरे पार्टनर के पास या मेरे रिलेटिव के पास एक्स लिमिटेड का शेयर है तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन रिलेटिव के केस में यू कैन होल्ड सिक्योरिटी अप टू द वैल्यू ऑफ वन लैक दैट इज अलाउड ठीक है मैं इस कंपनी का शेयर होल्ड करूंगा मैं ऑडिटर नहीं बन सकता मेरा पार्टनर होल्ड करेगा मैं ऑडिटर नहीं बन सकता रिलेटिव होल्ड करता है तो भी मैं नहीं बन सकता लेकिन रिलेटिव के, के केस में फेस वैल्यू वन लाख नॉट मार्केट वैल्यू याद रखिएगा फेस वैल्यू वन लाख फटाफट सब नोट कर लीजिए राइट right? बात समझ में आ रही है क्लियर हो गया पर्सन मैं खुद मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ कंपनी लेकिन रिलेटिव के केस में क्या है फेस वैल्यू रुपीस क्लियर अभी मैं हूं एक्स लिमिटेड है राइट right? इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वाई लिमिटेड राइट ये अंकित होल्ड्स शेयर इन वाई लिमिटेड ये अंकित होल्ड शेयर इन वाई लिमिटेड जो कि एक्स का सब्सिडेरी है तो भी अंकित इसका ऑडिटर नहीं बन सकता राइट मेरे पास इस कंपनी का शेयर नहीं है मेरे पास इसके सब्सिडरी का शेयर है तो भी मैं मेन कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता मेरे पास Z लिमिटेड मेरे पास Z लिमिटेड का शेयर है Z लिमिटेड कौन है इसका होल्डिंग कंपनी X का होल्डिंग अगर मेरे पास Y का शेयर है X का सब्सिडरी है तो भी मैं X का ऑडिटर नहीं बन सकता अगर मेरे पास Z का शेयर है Z कौन है X का होल्डिंग तो भी मैं X का ऑडिटर नहीं बन सकता देखो मैं अगर उस कंपनी में शेयर होल्ड करता हूं या उसके सब्सिडरी में होल्ड करता हूं या उसके होल्डिंग कंपनी में होल्ड करता हूं इसका एक एसोसिएट कंपनी किसको बोलते हैं अगर आप किसी का बीस से पचास परसेंट तक शेयर होल्ड करते हैं तो मैं पी लिमिटेड मैं ट्वेंटी से फिफ्टी परसेंट शेयर होल्ड कर रहा हूं तो एक्स का एसोसिएट हो गया सब्सिडरी किसको बोलते हैं अगर मैं किसी कंपनी का मेरा सब्सिडरी कौन होगा अगर मैं किसी कंपनी का मोर देन 50 परसेंट शेयर होल्ड करता हूं मेरा एसोसिएट कौन होगा ट्वेंटी से फिफ्टी तो अगर मैं पी लिमिटेड में अगर मैं पी लिमिटेड में बीस से पचास परसेंट तो मतलब ये कौन हो गया एसोसिएट कंपनी ऑफ एक्स तो मेरे पास अगर पी लिमिटेड का शेयर है तो भी मैं एक्स का ऑडिटर नहीं बन सकता अभी जेड का एक और सब्सिडरी है Z का सब्सिडरी Z का सब्सिडरी मान लो क्यू लिमिटेड है तो मेरे पास अगर क्यू का शेयर है तो भी मैं एक्स का ऑडिटर नहीं बन सकता मेरे पास सब्सिडरी का शेयर है किसका है सब्सिडरी नीचे तुम्हारा सब्सिडरी का शेयर है मेरे पास मैं तुम्हारा ऑडिटर बन सकता हूं नहीं तुम्हारा होल्डिंग का शेयर है मेरे पास मैं ऑडिटर बन सकता हूं नहीं तुम्हारा एसोसिएट का मेरे पास शेयर है क्या मैं बन सकता हूं नहीं तुम्हारे होल्डिंग का सब्सिडरी का शेयर है मेरे पास तो भी मैं तुम्हारा ऑडिटर नहीं बनता हाँ? क्यों नहीं ट्रेस होगा इजीली ट्रेस होगा सब कुछ देख के किया जाएगा ड्यूटेलीजेंस करना पड़ेगा कल मैंने बताया था तो ऑडिटर का भी ड्यू इंटेलिजेंस होगा राइट क्लियर हो गया मैं मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर किसी भी कंपनी में शेयर होल्ड करेगा तो हम लोग ऑडिटर नहीं बन सकते रिलेटिव के केस में फेस वैल्यू अप टू वन लैक इज अलाउड मैं तुम्हारा कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करता हूं तुम्हारा सब्सिडरी में करता हूं तो भी मैं तुम्हारा ऑडिटर नहीं बन सकता तुम्हारा होल्डिंग में करता हूं तो भी मैं तुम्हारा ऑडिटर नहीं बन सकता तुम्हारा एसोसिएट में होल्ड करता हूं तो भी मैं तुम्हारा ऑडिटर नहीं बन सकता तुम्हारे होल्डिंग का सब्सिडरी में होल्ड करता हूं तो भी मैं तुम्हारा ऑडिटर नहीं बन सकता ठीक है रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत बड़ा है आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है तो ये जो पॉइंट है ना फोर वाला पर्सन हिज रिलेटिव और पार्टनर ये फोर ए है ये मैंने कल भी आपको बताया था मैं बात कर रहा हूं अब फोर बी का अगर कोई पर्सन या उसका रिलेटिव या पार्टनर ज इन डेटेप्ट टू द कंपनी मैंने बताया था ना लोन ले रखा है इनडेटेप टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग वो लाइन पूरा कंटिन्यू करेगा और इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी समझ गया ना एक्सीडिंग फाइव लाख यहां लिमिट पांच लाख का है तो भी मैं तुम्हारा ऑडिटर नहीं बन सकता पर्सन उसका रिलेटिव या पार्टनर तीनों में ये लिमिट है शेयर वाला लिमिट खाली रिलेटिव के लिए है, मैं खुद और या मेरा पार्टनर एक भी शेयर अगर होल्ड करेगा तो भी मैं नहीं बन सकता लेकिन रिलेटिव केस के में फेस वैल्यू वन वैल्य। लैख लेकिन ये के केस में मैं या मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर कोई भी अगर पांच लाख से ज्यादा इंडेटिव टू द कंपनी या उसका होल्डिंग या उसका सब्सिडरी या उसका एसोसिएट या सब्सिडरी या होल्डिंग तो हम लोग नहीं बन सकते गारंटी मैंने अगर गारंटी दे रखा है गारंटी टू कंपनी और इट्स वो और इट्स वो और इट्स वो ऐसे करके एक्सीडिंग रुपीज वन लैखनी थर्ड पार्टी मैंने लोन नहीं ले रखा है बट मैंने गारंटी दे रखा है कि अगर ये बंदा पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं देगा तो ये भी एक टाइप का ऑब्लीगेशन हो गया का सामने वाला नहीं दे पाया तो, तो उसका लिमिट है एक लाख मतलब मैं खुद के कंपनी में गारंटी का बात नहीं कर रहा हूं सब्सिडरी में कंपनी में भी अगर मैंने गारंटी दे रखा किसी थर्ड पार्टी के लिए तो भी ये राइट right. क्लियर हो गया हा? काफी बड़ा है ये डिस्कालीफिकेशन का लिस्ट क्लियर नंबर फाइव मैंने कल बिजनेस रिलेशन का बात किया था याद है ना अगर मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है विथ मैं या मेरा फॉर्म का रिलेटिव का बात नहीं हो रहा है यहां पे पर्सन और फॉर्म हैज बिजनेस रिलेशन विथ कंपनी और इट्स होल्डिंग ये सब लापला ब्लाबला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझ गया मेरा बात तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता अ पर्सन Whose relative is a director or in employment with the company? एज ए डायरेक्टर और के एमपी ई मैनेजरियल पर्सन मेरा चाचा इस कंपनी का डायरेक्टर है मेरा मामा इस कंपनी का के एम पी है खाली कंपनी के लिए बोला है इसमें सब्सिडरी और वो सब पॉइंट नहीं बोला है राइट फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ कंपनी चार्टेड के अकाउंट दो ऑप्शन होता है या तो वो प्रैक्टिस कर सकता है या जॉब कर सकता है अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं तो मैं किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता और मेरा लिमिट 20 है 20 कंपनी का ऑडिट अगर मेरा हो चुका है तो मैं इक्कीसवा कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता अगर प्रैक्टिस करे तो जॉब नहीं कर सकता हम्म हाँ उस समय तो वो नहीं है ना नहीं नहीं करंट स्टेटस देखना पड़ेगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जॉब नहीं कर सकते तो वही बोला। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं फुल टाइम एम्प्लॉय अगर कोई सी ए कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉई है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता होता ही नहीं है वैसे होता ही नहीं है प्रैक्टिस प्रैक्टिस लेने का कंडीशन है दैट यू नॉट बी एन एम्प्लॉय एल्सवेयर टैक्स ऑडिट का साठ है फुल टाइम एम्प्लॉय अगर मैं कहीं हूं तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता या इफ आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ मोर देन ट्वेंटी कंपनीज़। ऑडिट ऑफ मोर देन ट्वेंटी कंपनीज इसमें प्रॉपर लिमिट होता है कौन कौन सा कंपनी आएगा करंट देखेंगे करंट के बारे में बात किया है ऐसा थोड़ी लिखा अगर मेरा पुराना किसी कंपनी से बीस साल पहले कोई रिश्ता था आज वो रिश्ता नहीं है तो करंट स्टेटस क्या ये देखिए ना अच्छा ये जो बीस का जो लिमिट है ना इसमें स्मॉल कंपनीज नहीं आएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका टर्न लेस देन हंड्रेड करोड़ है वो लोग इस लिमिट में काउंट नहीं होता ये तुम लोग पढ़ेगा कि पार्टनर एक चार्टेड अकाउंटेंट कितना कंपनी का ऑडिट कर सकता है राइट right? तो फुल टाइम एम्प्लॉय अगर मैं हूं या मैं बीस कंपनी से ज्यादा कहीं का ऑडिट कर रहा हूं तो नहीं हो सकता इस बीस कंपनी का लिस्ट में वो लोग शामिल नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनीज वन पर्सन कंपनी ओपीसी या प्राइवेट कंपनी जिसका टर्न लेस देन हंड्रेड करोड़ है वो सब का मैं और भी कर सकता हूं उसका शायद ओवरऑल थर्टी ऐसा कुछ है नियम राइट फाइव एट फ्रॉड राइट अगर मैं कोई फ्रॉड वैन पीरियड ऑफ टेन ईयर्स एज नॉट एलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ सख्त कन्विक्शन दस साल नहीं हुआ उस फ्रॉड को एक तो कन्विक्शन बोल दिया ना कन्विक्टेड बाय बाई कोर्ट फॉर एन ऑफेंस Right a person who renders services mentioned in section one hundred forty four Company or its dot dot, dot और एड्स डॉट 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 राइट अगर मैं किसी कंपनी को कोई सर्विस रेंडर करता हूँ सपोज कोई कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैं दोनों काम नहीं कर सकता मतलब एक क्लाइंट का आप एक ही काम कर सकते हैं ऑडिट दे सकते हैं या कंसल्टेंसी दे सकते हैं। सेक्शन 144 में लिखा है सर्विसेज के बारे में ठीक है अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस जैसे इंटरनल ऑडिट मैं कर रहा हूं आपका तो मैं आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता सेक्शन 144 में लिस्ट दिया हुआ है अकाउंटिंग सर्विसेस अगर मैं आपका इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं तो मैं आपका स्टेट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता Wait, आपका एक्चुअल सर्विस इफ आई एम गिविंग यू राइट मैं इस मैं इस एक्चुविटेज का नहीं कर सकता मैं तो ओनर हूं ना मैं कैसे करूंगा हाँ लेकिन मैं रिलायंस का नहीं कर सकता मैं टाटा का नहीं कर सकता मैं शेयर होल्ड करता हूं तो, तो बाकी देखना पड़ेगा मेरे को राइट और भी है इसमें और भी बहुत सारा टाइप का सर्विसेज है एनी मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये मेरा डिसक्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया अब इसको आपको घर में जाके दोबारा पढ़ने का दरकार नहीं इतना ही लिख देंगे तो बहुत एग्जाम में इससे ज्यादा आपको दरकार नहीं है ठीक है, समझ तो में आया ये मेन है अभी हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ ऑडिटर ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में नहीं चल रहा है क्या लाओ भैया पावर ऑब्लिक राइट्स ऑफ ऑडिटर पॉइंट फॉर्म में खाली नोट कर लो राइट right? सबसे पहला जो मेन पॉइंट है ऑडिट करते वक्त बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस होना चाहिए मेरे पास बुक्स का एक्सेस ही नहीं बहुत तो ऑडिट क्या वेरीफाई करेंगे कि वेरिफिकेशन करके नॉट ऑडिट देंगे मैंने कल भी बताया था राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है कहीं पे भी रखा हो तुम्हारा यहां रखा हो और कोई ऑफिस में रखा हो रजिस्टर्ड उससे मतलब नहीं है राइट टू एक्सेस बुक्स अकाउंट होना चाहिए क्लियर नेक्स्ट राइट टू ओप्टेन इंफॉर्मेशन मैंने बोला ना पूछताछ राइट टू ओपटेन इंफॉर्मेशन And explanation from officers. उसको ऑडिट का परफॉर्मेंस में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुमसे पूछताछ कर सकता है राइट right, अगर कुछ नहीं होगा तो वो लिख देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन थोड़ा बच के कोऑपरेट करो राइट टू रिसीव नोटिसेस राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग ठीक है राइट टू रिपोर्ट ये उनका हक है रिपोर्ट करने का कोई इसको डिनाइल नहीं कर सकता राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स उन्हीं का टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वही लोग अपॉइंट किया है ना इसको to the members of the company on the accounts examined on the accounts examined by him तो so, इस तरीके से point form में लिखेंगे तो आपको marks ज़्यादा मिलेगा हाँ दो दो तीन दिन यही लिखना है और क्या कि आप मेरे को सारा बुक्स अकाउंट्स देंगे बुक्स अकाउंट्स का मतलब होता है इन्वेंट्री बुक्स वाउचर सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पूछताछ कर सकता हूँ आप मेरे को जितना भी जनरल मीटिंग होगा सबका नोटिस भेजेंगे मैं या अपना मेरा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड करेगा इस टाइप से लिखना है हाँ हाँ पांच नंबर के लिए पांच पॉइंट Right? E. Right to Lian. ऑडिटर को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख लेगा जब उसका दे दोगे हाँ। मतलब आप उसी का डॉक्यूमेंट्स रिटेन कर सकते हैं लीन का जिस, जो आपका फीस नहीं दिया है नॉन पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस मतलब आप मेर मैंने ऑडिट किया मेरा फीस तो देंगे ना तो राइट टू लीन हो गया ना जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी सर्विस में भेजा पचास हजार का बिल हुआ अब जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका गाड़ी रिलीज नहीं करेगा सिंपल एज दैट मेरा अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या राइट टू लीन बी एक्सरसाइज फॉर ऑडिट वर्किंग पेपर्स मैंने बताया था ना ऑडिटर अपना डॉक्यूमेंट करता है सारा वर्किंग ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या उसमें भी राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकता है वो क्यों वो तो उसका खुद के पास में ही है राइट टू लियन एक्सरसाइज करने का दरकारी क्या है वो तो उसी की प्रॉपर्टी है कुछ भी हो वो तो उसी की प्रॉपर्टी है राइट टू लियन एक्सरसाइज करने का वर्किंग पेपर में सवालिज पैदा नहीं होता क्योंकि वो तो मेरा ही है रिगेटिंग माई पॉइंट दैट इज तो माई पेपर ओनली क्लियर तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने अभी एग्जाम में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर राइट right? नाउ ये तो अभी हक का बात हुआ अभी ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो उसका ड्यूटी क्या है ये उसका जानना ये सब उसका उसको करना ही पड़ेगा राइट right? आइए सबसे पहला ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू एंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स कुछ कुछ मैटर के बारे में उसको इंक्वायर करना जरूरी है कंपनी अगर किसी को लोन दे रही है लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ज प्रॉपरली सिक्योर्ड और नॉट राइट मार्केट इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है कि नहीं इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स कहीं हार्म हुआ है कि नहीं ये सब चीज बुक एंट्रीज वाला ट्रांजैक्शन कोई फेक लोन एंट्री वगैरह तो नहीं खड़ा है इस फेक लोन एंट्री होता है राइट इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट लेस देन परचेज प्राइस ये सब मैटर्स में उसको थोड़ा इंक्वायर करना पड़ेगा क्यों ऐसा क्या हुआ था जो आपको ऐसा करना पड़ा Loans and advances made by company has been shown as deposits. Whether Personal expense has been charged to profit and loss account. अलग से दिखाएगा ना अगर आपने कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस दिया है तो उसको अलग से दिखाएंगे ना आप जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कुछ एडवांस पेमेंट किया है तो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बोल के आना चाहिए ना इश्यू ऑफ शेयर्स के मैटर पे भी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश अगर लिखा है कि आपने कैश में इशू किया तो वो चेक करिए ठीक है तो ये सब वो शेयर होल्डर को बोलेगा अगर उसको इन सब में कुछ दिखेगा तो राइट तो इसका पहला ड्यूटी हुआ दूसरा ड्यूटी राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट ड्यूटी टू साइन सॉरी ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट पहला बात तो इंक्वायरी के बारे में बोला ठीक है मैंने बताया था ऑडिटर्स पे भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लग गया है तो आपको ऑडिटिंग करते वक्त आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ध्यान देना पड़ेगा उसमें है एसे टू हंड्रेड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग टू हंड्रेड जो ऑडिटर को बोलता है बायसनेस नहीं होना बायसनेस eh, नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये सब आपको मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बारे में बताया था ना मैंने क्वालिटीज तो ये सब मैं तो बोल दिया लेकिन वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा है So duty to comply with auditing standards. Duty to comply with auditing standards. UTT report. जब उसने सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लिया है तो उसको ओपिनियन देना पड़ेगा राइट सारा बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ बनाया है कि नहीं ये सब चीज क्लियर तो ड्यूटी टू रिपोर्ट में बहुत सारा चीज आएगा ड्यूटी टू रिपोर्ट में अगर उसके पास सारा इंफॉर्मेशन आप लोग जब बुक पढ़ेंगे थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा उसमें आप लोग देखेंगे वेन हैज ऑपटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस इन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट टू द बेस्ट ऑफ इज नॉलेज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सब तो उसके पास जो भी ओपिनियन आएगा उसको देना पड़ेगा राइट right? उसको यह भी देखना पड़ेगा कि सारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन हुआ है वो एस्पर लॉ हुआ है कि नहीं राइट right? सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर बोलता है कैश बुक बनाना जरूरी है ये सब सब अच्छे से चेक कर लेना है राइट right? कंपनी का जो पीएल बैलेंस शीट है वो बुक्स के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं सब कुछ प्रॉपर कोई ऑब्जर्वेशंस आपको कोई फाइंडिंग्स है क्या सारा कंप्लायंस हुआ है कि नहीं आपको चेक करना है राइट right? आपको मेक श्योर sure नहीं करना आपको खाली ये देखना है कि कंप्लाई हुआ है कि नहीं ये सब चीज वेदर any डायरेक्टर इज डिस्कालीफाइड फ्रॉम being अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी or नॉट राइट right? आपके पास एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल फैसिलिटी है कि नहीं ये सब चीज के बारे में आपको कमेंट करना है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स इसमें क्या है आपको तीन चीज याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमिटी Or Board and Disclosure in Board's Report. ठीक है अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट मैंने क्या बोला था उसके नोटिस में अगर कोई फ्रॉड आता है जिसका अमाउंट एक करोड़ या उससे ज्यादा है तो इमीडिएटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑडिट इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड और दुर इज हैज बीन कमिटेड राइट by the officers or employee, then he will report to the central government in the manner time prescribed, right? अगर एक करोड़ के नीचे है तो ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में मैंशन ठीक है कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलता है कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन आपको करने बोलेगा तो उसके मैटर में भी स्पेशल मैटर्स में भी अगर कोई कमेंटिंग का दरकार है तो आपको वो भी उसका ड्यूटी है आपका ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और मो ठीक है कोई भी उसके पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट उसने दिया है तो रीजन बताना पड़ेगा ड्यूटी टू स्टेट ड्यूटी टू स्टेट द रीजन फॉर Qualification or negative report. राइट right? अभी मैं एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ये एग्जाम में आ, आ सकता है इट्स वेरी क्रूशियल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ट्राई टू मेक वन डायग्राम डायग्राम को आप लोग करके जाइएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आपको पूरा पढ़ने का दरकार नहीं है पहले आप ये देखिए अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है फर्स्ट ऑडिटर का हो रहा है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का हो रहा है राइट फर्स्ट ऑडिटर्स इधर में हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का राइट right? अब इसमें भी गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो पहला ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करेगा द फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड राइट Board of Director within thirty days from the date of registration. ठीक है अगर बोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा मेंबर विद इन नाइनटी डेज एक ईजीएम रखेगा एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग राइट इफ फेल्स देन मेंबर्स डेज एट ई जी एम एंड जो भी अपॉइंट होगा उसको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा पहला फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक जो भी अपॉइंट होगा

अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हुआ देन मेंबर्स विद इन नाइनटी डेज एट एक्सट्रॉन जनरल मीटिंग अपॉइंट ऑडिटर्स एंड जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा ही और शी होल्ड ऑफिस अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम राइट तो ये था तुम्हारा नॉर्मल केस का अभी अगर गवर्नमेंट कंपनी का बात करें ना वॉट इज अ गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी कंपनी का मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर्स आर होल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ गवर्नमेंट कंपनी बोला एल आई सी ऑफ इंडिया क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है नहीं ये कंपनी नहीं है पहला बात इट्स अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कोल इंडिया राइट ये सब कंपनीज जो है जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है 51% परसेंट बेसिकली नॉट लेस देन 51% परसेंट इज हेल्ड आइदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ राइट अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सी एंड एजी सी एंड ए जी क्यों होता है कंट्रोलर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिट द जनरल ऑफ इंडिया विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ Registration If CNAG do not appoint. Then POD within <coughs> next thirty days. इफ बीओडी फेल्स देन मेंबर्स विद इन नेक्स्ट सिक्सटी डेज कैसे खत्म हो जाएगा जो है सो है उपाय क्या है कानून में जो लिखा है सो लिखा है तो मैं क्या करेगा तुम क्या करेगा एंड जो भी अपॉइंट होगा द ऑडिटर अपॉइंटेड ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम Appointed auditor must hold office <coughs> till the conclusion. तो बीच में कोई भी मीटिंग हो रहा है ना मेंबर्स का वो ईजीएम ही होगा यहां पे बोलने का दरकार नहीं है ईजीएम आर यू गेटिंग माई पॉइंट एक होता है एजीएम उसके अलावा जो भी मीटिंग है सब ईजीएम तो यहां पे बोलने का दरकार नहीं है एट ईजीएम ये जो एट ईजीएम हम नहीं बोले बोलने का दरकार नहीं है ये ठीक है अब हम लोग बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का every company अभी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बात हो रहा है एवरी कंपनी शैल अपॉइंट An individual or firm okay? as an auditor at first AGM okay? and appointed auditor. शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूशन ऑफ सिक्स एजीएम पांच साल हो जाएगा ना राइट <coughs> right? उसका कंसेंट कोई भी डिस्कालिफिकेशन ट्रैक नहीं कर रहा ये सब चीज देख लेना कौन सा हाँ ये पहला वाला तो हो गया अभी आपको नया ऑडिटर रखना है ना या इसी को कंटिन्यू करेंगे जो भी है तो जिसको भी आपको रखने का मन है उसको अपॉइंट करिए उसका रिटर्न कंसेंट ले लीजिएगा 141 जो डिस्कालिफिकेशन का सेक्शन था कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए एंड जिसको भी आप अपॉइंट करेंगे विद इन फिफ्टीन डेज फाइल अ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट विथ आर ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ठीक है क्लियर नहीं नहीं कंपनी बताएगा Yes, ma'am. No, no, it's a company means shareholder only. A company means shareholder only. They will give resolution, na? Ordinary resolution, special resolution. Ordinary resolution means votes in favor is more than votes against. And special resolution means votes in favor is three times the votes against. When I am saying at AGM, the so consent has to be given by the shareholders. In AGM, four points are discussed, ma'am. <coughs> we call it as ADDA appointment of auditor, appointment of director, distribution of dividend, and annual accounts. 2A and 2D 1A stands for auditor.

ए डी ए एजीएम में ऑडिटर एनुअल अकाउंट्स डायरेक्टर डिविडेंड क्लियर यहीं पर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिक्वेंट का मैंने बात किया था नॉन गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या होता है ठीक है Shall appoint Auditor within one eighty days from the commencement of financial year. जिस साल का ऑडिट होगा उस साल का विद इन वन एट्टी डेज मतलब पहला छह महीना में ऑडिटर डिसाइड कर लो ये चार्ट को घर में बना के चिपका देना तो कभी भूलोगे नहीं हां ठीक है अभी कैजुअल वेकेंसी अगर होगा तो फिलअप करना पड़ेगा ना हाँ हाँ एग्जाम में तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना पड़ेगा एग्जाम में गौर करिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट दी प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो खाली सब्सिक्वेंट वाला ही लिखिएगा अगर फर्स्ट ऑडिटर बोलेगा तो फर्स्ट ऑडिटर का ही लिखिएगा बोलेगा फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो खाली उसका ही लिखिएगा पूरा मत लिख के आइएगा क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा या बोलेगा राइट दी प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट दोनों लिखिएगा कैजुअल वेकेंसी का क्वेश्चन आएगा तो अलग से वैसा लिखिएगा सो कैजुअल वेकेंसी में याद रखिएगा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिलअप करेगा विद इन थर्टी डेज और अगर ये कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर तब ईजीएम में आपको विद इन थ्री मंथ्स उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से कैजुअल वैकेंसी मतलब जगह खाली हो गया ऑडिटर के चला गया खराब हो गया या ऑडिटर का डेथ हो गया तो कैजुअल वेकेंसी हो गया तो कैजुअल वैकेंसी अभी हम अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का बात करें ठीक है ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन थर्टी डेज फिलअप करेगा लेकिन ऐसा हो सकता है ना इफ कैजुअल वेकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑडिटर मतलब पक्का कुछ झूलझाला है ऑडिटर रेजिग्नेशन क्यों देगा कोई अपना कमाई को लात क्यों मारेगा अपॉइंटमेंट कोई भी कैजुअल वेकेंसी हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थर्टी डेज में भरना है लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसीज़ ड्यू टू दिस रेजिग्नेशन वाला देन आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा देन अपॉइंटमेंट शेल आल्सो बी अप्रूव्ड अप्रूव्ड एट पीएम विद इन मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाई द बोर्ड थ्री मंथस कहां से जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड किया वहां से और ये थर्टी डेज कहां से फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी राइट right. और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी का है राइट <coughs> right. एनएजी दिन Thirty days. Una unable to appoint <coughs> Fails, then Board of Director within next Thirty days. नहीं उसमें गवर्नमेंट कंपनी सब सी करता है ठीक है क्लियर <coughs> जो ऑडिटर रिटायर की रेजिग्नेशन uh, दिया है उसको विद इन थर्टी डेज आरओ को बताना पड़ेगा और एडीटी थ्री फाइल करना पड़ता है एक फॉर्म होता है राइट right? कि भैया आपने जो रेजिग्नेशन दिया क्यों दिया और गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएनएजी को बताना पड़ता है right 3 auditor who has resigned who has resigned must file adt3 डे फाइन्स फाइन का अमाउंट देख लेना हाँ फाइन्स एंड पेनल्टी है? हा तो इतना ही इसके अलावा आप लोग रोटेशन वाला चीज पढ़ लीजिएगा राइट एंड रेमुनरेशन वाला पार्ट पढ़ लीजिए ये फिर हो जाएगा कंपनी ऑडिट हो जाएगा, वो तो आप इजी है पढ़ सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें एक डिविडेंट वाला क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में वो तो भी रीड कर लीजिएगा डिक्लेरेशन ऑफ आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा आपने जो डिविडेंट डयर किया है वो एवरेज ऑफ द पास्ट थ्री ईयर से ज्यादा नहीं है और वो टेन परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं है और आपका पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपका पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व शायद बारह परसेंट से नीचे ऐसा कुछ क्राइटेरिया है तीन टो तो।, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा कंपनी ऑडिट का पार्ट फिर हो जाएगा Thank you so much.